लेक्चर में मैंने बताया था कि परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक क्या होते हैं। स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता क्षीण हो चुकी होती है या विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। स्थायी ऊतक फिर मैंने बताया कि ये तीन तरह के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और स्नायु ऊतक। तो आज अपन देखेंगे सरल ऊतक वे ऊतक होते हैं जो प्राय एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल ऊतक फिर तीन भागों में विभाजित किया जाता है या तीन तरह के ऊतकों से मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमा या मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक, स्केलेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। तो आज अपन देखेंगे पैरेन्काइमा मृदु ऊतक, मृदु ऊतक की संरचना और इसके कार्य। मृदु ऊतक पौधे का ज्यादातर भाग मृदु ऊतक का बना होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पौधे के हर एक अंग भाग में मृदु ऊतक पाया जाता है। ये मृदु ऊतक बलकूट, पीत आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है, पत्ती के मेसोफिल में पाया जाता है, बीज के भ्रूणकोश में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि मृदु ऊतक पौधे के लगभग हर एक भाग में पाया जाता है या पौधे का ज्यादातर भाग मृदु ऊतक का बना होता है। इसकी कोशिकाएं प्राय गोल, अंडाकार, कभी कभी बेलनाकार भी हो सकती है या षटकोणाकार भी हो सकती है। इनकी कोशिकाओं में भी इनकी कोशिकाओं में भी केंद्रक पाया जाता है एवं सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। कोशिका के बीच में अंतरा कोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। इनकी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से प्राथमिक प्रकृति की होती है, जो केवल सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है, लेकिन कुछ परिपक्व मृदुत्व में ये कोशिका भित्ति या इस कोशिका भित्ति में लिग्निन का निक्षेपण भी पाया जाता है, जिससे ये कोशिकाएं दृढ़ और फिर कभी कभी सख्त भी हो जाती है। तो इस तरह से ये है मृदुत्व कोशिकाओं की संरचना, मृदुत्व की संरचना। अब इसका जो कार्य है, कार्य बड़े ही महत्वपूर्ण है। यह मृदुतक या ये मृदुतक का मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होता है, या इस मृदुतक में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। कुछ पौधों में इस मृदुतक में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं या इस मृदुतक में बड़ी बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है जिसको एयर स्पेस बोलते हैं, और इन गुहिकाओं की वजह से यह मृदुत्व पौधे में उत्प्लावकता प्रदान करता है, जिसको एरेनकाइमा कहते हैं। और यह एरेनकाइमा मुख्य रूप से हाइड्रोफाइट में पाई जाती है। हाइड्रोफाइट जैसे जलकुंभी, हाइड्रिला आदि पौधों में पाई जाती है, जो पौधों में उत्प्लावकता प्रदान करती है, बायोसी प्रोवाइड करती है। कुछ मरुद्भेदीय पौधे में मृदुतक की कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना शुरू कर देते हैं एवं भोजन का निर्माण करते हैं। तो जिन पौधों में क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है उस ऊतक को, उस मृदुतक को क्लोरेन काइमा कहते हैं। यह क्लोरेन काइमा या इस क्लोरेन काइमा का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे में भोजन का निर्माण होता है। अतः क्लोरेन काइमा पौधे में मुख्य रूप से पत्ती में पाया जाता है, लेकिन कुछ जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुद्भेदीय पौधे होते हैं, जैसे नागफनी है, थोर है, उसके
तने या वलकुट में भी क्लोरीन काइमा का निर्माण होता है, क्लोरीन काइमा पाया जाता है। यही कारण है कि उनका तना हरा दिखाई देता है और तना भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। मधुतक हालांकि स्थायी उत्तक होता है, तो इसका दूसरा कार्य यह है कि पौधे में जब कभी भी कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, पौधे में जब कभी भी कोई विभाजन करने की समस्या पैदा हो जाती है, पौधे में कभी कोई घाव आदि लग जाता है, उस घाव को भरने के लिए या पौधे के गर्त को बढ़ाने के लिए, व्यास को बढ़ाने के लिए द्वितीयक वृद्धि के दौरान यह मधुतक विव ज्योति की उत्तक में रूपांतरित हो जाता है। और विव ज्योति की उत्तक, जैसा कि अपन जानते हैं, उनमें अनंत विभाजन की क्षमता होती है। और जब यह मधुतक विव ज्योति की में रूपांतरित हो जाता है तो इसमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे नए अंगों का निर्माण होता है, घाव का भरना शुरू हो जाता है और पौधे में द्वितीयक वृद्धि का निर्माण भी होता है। तो यह पेरेन्काइमा का सबसे मुख्य कार्य है। तो पौधे में जरूरत पड़ने पर यह विव ज्योति की उत्तक में रूपांतरित हो जाता है एवं उसमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। फिर मधुतक की कोशिकाओं में कुछ पौधों में जहां पर सघन जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिकाएं यंग प्रकार की होती है, तो उन कोशिकाओं में हार्मोन और डीएनए का संश्लेषण भी होता है, जो आगे पौधे के विकास के लिए सहायक होता है। इस तरह से पेरेन्काइमा के कई रूपांतरण पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्टोरेज के रूप में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है। तो यह है पेरेन्काइमा से संबंधित।